शांति 25 अक्टूबर 2022। आज की अव्यक्त बोली बाबा की महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, आपका यादगार चित्र जो कल पहले वाला है वह याद है? बाबा पूछ रहे हैं। गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बताते हैं? अब देखा है आजकल के भक्ति मार्ग में गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? गोबर का बनाते हैं। पहाड़ को उंगली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में उंगली देना। पहले यह पहाड़ उठाना होगा, तब यह कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। ये वाणी 30 जुलाई 1970 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, अब पेपर होना है हर एक के स्नेह प्रेम सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। कलयुगी पहाड़ पार होना ही है। मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह प्रेम और सहयोग की उंगली देनी है। तन की समस्या भी आनी है, लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उसको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। ये वाणी 18 जनवरी 1970 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते, माला के विजयी रत्न सदा ही विशेष गाए और पूजे जाते हैं। ऐसी विशेष पूज्य आत्माएं हो। जब कोई ऐसा दिन आता है तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो उतना भक्त आत्माओं के आवाहन का अनुभव होता है। भक्तों की शुभ भावनाएं व कामनाएं बाप द्वारा पूर्ण करने के लिए विशेष वाइब्रेशन आनी चाहिए। आखिर सभी भक्त आत्माएं बाप के साथ अपनी पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगी, वर्णन करेंगी कि वही हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव किसको बनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, इष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एक में एक पल एक भरोसा होता है, उसी में परिपक्व रहते हैं। उनके लिए वही एक सब कुछ होता है। ऐसे जो एक बाप में इष्ट भावना वाले रहे हैं, इष्ट स्थिति वाले रहे हैं, वही इष्ट देव बनते हैं। इसको कहते हैं एक पल एक भरोसा। इष्ट देव की निशानी यह है जो एक पल एक भरोसे की स्थिति में निश्चय में सेवा में परिपक्व रहते हैं। इसलिए इष्ट देव को मानने वाले भक्त भी एकाग्र रहते हैं, यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं, एक में अटल रहते हैं। बाप प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन बाप के साथ साथ सब इष्ट देव इष्ट देवियाँ भी प्रत्यक्ष होंगे। यह भी नशा चाहिए कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन हो रहा है और हम ही बाप द्वारा उनको रिटर्न दिलाने वाले हैं। दिलाएंगे तो बाप द्वारा ही, लेकिन निमित्त बनते हैं, इसलिए वह इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। विशेष दिनों पर जैसे विशेष भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी वे वाइब्रेशन आने चाहिए। हम ही हैं, यह अनुभव होना चाहिए। बाप दादा तो हैं ही, लेकिन साथ में अन्य बच्चे भी हैं। यह प्रैक्टिकल में महसूसता आनी चाहिए। जो आशीर्वाद आशीर्वाद कला है वह ऐसे अनुभव होगा जैसे संपन्न होने के कारण ब्रह्मा बाप द्वारा चलते फिरते सबको स्वतः आशीर्वाद का अनुभव होता था। आप भी चलते फिरते ऐसे अनुभव करो जैसे बाप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करा रहे हैं। प्राप्ति ही आशीर्वाद है और कुछ
मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन प्राप्ति का अनुभव कराने के कारण सबके मुख से यही है कि गीत निकलेंगे। वह भी दिन आने वाले हैं, साक्षात्कार मूर्त अभी होने चाहिए। अभी सेवा साक्षात्कार मूर्त द्वारा हो, जैसे शुरू में चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त देखते थे, ब्रह्मा को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे, कृष्ण पर मोहित हुए ना, ब्रह्मा पर तो नहीं हुए, ब्रह्मा गुम होकर कृष्ण दिखाई देता था, तब तो भागे ना, कृष्ण ने भगाया, यह तो राइट है, क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं देखते, कृष्ण देखते थे, तो यह साक्षात्कार स्वरूप हुआ ना, उसी ने इतना मस्त बनाया, भगाया, साक्षात्कार ने ही सब कुछ छुड़वाया। भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का होता है, लेकिन ज्ञान का होता है देखने के साथ आना, यही अंतर है। सिर्फ देखा नहीं, पाया, कृष्ण हमारा है, हम गोपियां हैं, इसी नशे में स्थापना कराई, हम वही हैं, हमारे ही चित्र हैं, तो ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। सुनने द्वारा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन वर्तन नहीं होता। अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनते नहीं। जब उन्हें साक्षात्कार में प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। जैसे आप सब बन गए हो ना, तो अभी चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार करवाओ, सिर्फ भाषण वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप हो वासना देने वाले, ऐसे जो बनते हैं वही नंबर आगे लेते हैं। सिर्फ क्लास कराने से वासना नहीं आती, क्लास सुनने भी हर एक की चाहना होती है वासना मिले, तो आप अब भाषण बदल कर वासना दो, तब समझेंगे कि यह अल्लाह लोग हैं, अल्लाह लोग अर्थात न्यारे। अभी तो कह देते हैं यह भी अच्छा वह भी अच्छा, मिलाते रहते हैं, लेकिन अभी वासना स्वरूप बन जाओ, प्राप्ति का अनुभव करवाओ। ये वाणी 11 नवंबर 1985 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।